है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइट बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। सर्दियों के मौसम में भी आप अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ बना सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं और ग्लॉसी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्पॉटलेस हो जाए, स्किन पर ग्लो आ जाए, तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है, स्किन को कोई हार्म नहीं होगा बल्कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को बनाना किस तरीके से। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लेना है क्लीन बोल जिसमें आपको ऐड करना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए, इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप इसमें कम से कम 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए। कॉफ़ी पाउडर स्किन से डार्कनेस टैनिंग को रिमूव करेगी और आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाएगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, तो आप इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लीजिए। हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे स्किन स्पॉटलेस होती है, दाग धब्बे और झाइयाँ दूर होती हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, आप इसमें 1 चम्मच कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और सर्दियों के मौसम में तो डीपली स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, साथ ही साथ स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। तो 1 चम्मच कम से कम आपको इसमें ऐड करना है रॉ मिल्क। उसके बाद आप इसमें ऐड कर लीजिए हनी। हनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हनी आपके स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा, स्किन से डार्कनेस को दूर करेगा। अगर स्किन बहुत ज़्यादा डार्क लग रही है तो स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट एंड ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगी। तो 1 चम्मच हनी ऐड कर लिया, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मेरी DIY रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। तो गाइस, रेमेडी रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसे दिन में कभी भी पूरे दिन में यूज़ कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए उससे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि आपके फेस पे जो भी डर्ट है रिमूव हो जाए, और उसके बाद आपको स्मूथली मसाज करते हुए इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है, ज़ोर ज़ोर से अपने फेस को बिल्कुल नहीं रगड़ना है, हल्के हल्के मसाज करते हुए अपने फेस पर अप्लाई करना है। मसाज करने से क्या होगा कि स्किन से डेड स्किन रिमूव होगी, साथ ही साथ स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा और स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग हो जाएगी। तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। जब अच्छे से मसाज 2 से 3 मिनट तक हो जाए तब आपको इस पैक को अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, जब आपका फेस अच्छे से सूख जाए तब फेस वॉश कर लेना है। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि इसके पहले यूज़ से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा वाइट एंड ब्राइट एंड और स्पॉटलेस लग रही है। तो आप इस DIY रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है, स्किन को कोई हार्म नहीं होगा बल्कि आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट एंड और सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी हो जाएगी। अगर मार्केट के प्रोडक्ट आपको यूज़ करने से आपकी स्किन को हार्म हो सकता है, स्किन बहुत ज़्यादा डल ड्राई फील हो सकती है, स्किन पर बहुत ज़्यादा रैशेज भी पड़ सकते हैं, अगर आप मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, घर के बने नेचुरल यूज़ करें तो स्किन को कोई हार्म नहीं होगा बल्कि स्किन वाइट एंड ब्राइट और ग्लोइंग होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।